नमस्कार, दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 12 मई को, नतीजे 15 मई को घोषित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खाप पंचायत किसी की शादी नहीं रोक सकती, ऐसा करना गैर कानूनी है। राहुल गांधी ने साधा मोदी पर निशाना, विश्वास है कि 56 इंच के सीने की चीन से निपटने की ठोस योजना होगी। भाजपा आई टी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के ट्वीट पर कांग्रेस का हमला, भाजपा को बता सुपर इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव की खबर लीक होने की जाँच होगी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने तेलुगु देशम पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति के सांसदों से मुलाकात की। 50,000 का इनामी नक्सल एरिया कमांडर सुधीर भगत गिरफ्तार, 15 हत्याओं का आरोप, बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। आयकर कार्यालय 29, 30 और 31 मार्च को भी खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के कड़े प्रावधान वाला यूपी कोका विधेयक पारित किया। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संसद में चल रहा है सरकार प्रायोजित हंगामा। मध्य प्रदेश में पत्रकार संदीप शर्मा की मौत को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए सीबीआई जांच के निर्देश। घायल मोहम्मद शमी को देखने दिल्ली पहुंची पत्नी हसीन जहां, हसीन ने हाल में शमी पर कई आरोप लगाए थे। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।